हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा सेटअप टूर का वीडियो। ये इसमें मैं बताऊंगा आपको कि मैं स्ट्रीम कैसे करता हूं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूं मैं स्ट्रीम के लिए। आइए फ्रेंड्स, तो मैं दिखाता हूं। तो गाइस, ये रहा मेरा सिस्टम जिसको मैं यूज़ करता हूं, ठीक है। और इस सिस्टम का स्पेसिफिकेशन ये इंटेल i5 है, NVIDIA G+, ओके फोर्स, और 8GB रैम का ये सिस्टम है मेरा, ओके। जो माउस यूज़ करता हूँ ये है लॉजिटेक का माउस, लॉजिटेक का M170 वायरलेस माउस है गाइस। एंड ये मेरा आईफोन एक्सेस मैक्स जिससे मैं स्ट्रीम करता हूँ, गेम खेलता हूँ सॉरी, ओके। और ये रहा रियलमी XT जिससे मैं चैट पढ़ता हूँ और आप लोग को रिप्लाई करता हूँ। मैं इसमें भी चैट पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, और सिस्टम पे जब हम लोग गेम खेलते हैं इसमें भी हम लोग, इस पर भी चैट आता है स्ट्रीम लैब्स में, उसमें भी देखिए कई बार ऐसा होता है लोग मुझे बोलते हैं कि आप एक बार स्ट्रीम चेक कर लो। तो इसी को चेक करने के लिए ही मैंने रियलमी XT को साथ में रखता हूँ और उसमें मैं आपको रिप्लाई करता हूँ ताकि मुझे पता चले YouTube पे कैसे दिख रहा है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये रहा मेरा हेडफोन्स, और ये मेरा जो हेडफोन्स है ये हाइपर एक्स क्लाउड स्टिंगर के हेडफोन्स है। और आखिरकार ये रहा एलगेटो HD60S, अभी तो HD60S प्लस आया हुआ है फ्रेंड्स। ये मैंने लिया था ऑलमोस्ट एक साल का, आठ महीने साल भर पहले, ठीक है। पर मैं यूज़ नहीं कर रहा, जब मैं स्ट्रीम स्टार्ट किया तभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स, नाउ आई लेट यू नो कि जो स्ट्रीमिंग का पूरा सेटअप कैसा है, ओके। ये मैंने आपको बताया क्या क्या है। अच्छा, आई मिस्ड माय चेयर। ये मेरा चेयर है, ग्रीन सोल का मॉन्स्टर चेयर है। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे चीज़ें सब कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओके। फर्स्ट व्हाट आई विल डू, ये वायर मैसअप बहुत लग रहा होगा आपको, ये पूरा मैसअप है। तो मैं क्या करता हूँ कि हेडफोन एक तरफ निकाल के रखता हूँ, और ये देखिए ये हेडफोन मैंने यहाँ कनेक्ट किया, और ये सिर्फ लैपटॉप से कनेक्ट करना है, आप उसको डायरेक्टली हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो। इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ा आसान जाएगा, ठीक है भाई। तो ये देखिए ये एलगेटो है, एलगेटो से दो वायर निकलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक जो वायर है ये HDMI वायर है, यहाँ वाला, ये वाला। तो HDMI वायर जो है यहाँ से आते हुए ये स्प्लिटर पे कनेक्ट होता है, ठीक है। स्प्लिटर जो कि आईफोन से कनेक्टेड है, जो जिस मोबाइल से आप खेल रहे हो, मैं आईफोन से करता हूँ, तो इसके लिए एप्पल का ओरिजिनल स्प्लिटर है, ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है एलगेटो। HDMI के इसमें ये HDMI है, और ये वाला वो जो है ये HDMI। तो HDMI आपको यहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ और इधर स्प्लिटर पे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये जो है ये आप देख सकते हो, अगर दिख रहा होगा आपको, अब आपको शायद दिख रहा होगा, ये इन है, और यहाँ एक और HDMI का स्लॉट आता है, एंड ये आउट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये आउट है और ये इन है, यहाँ पे ये HDMI, ये इन है। तो यहाँ इन में लगाना है आपको, और जो स्प्लिटर को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा जो ये वायर है ये आएगा आपका सी पोर्ट है यहाँ पे, तो ये सी पोर्ट से कनेक्टेड है यहाँ वाला एक वायर। ये वाला वायर जो है ये डायरेक्टली आपको जाएगा लैपटॉप से पीछे कनेक्ट, जो भी USB पोर्ट होगा आप उसमें लगा सकते हो। ये रहा ये USB पोर्ट है, ठीक है। तो एलगेटो से आप देखते हो इसमें से एक सी पोर्ट कनेक्टेड आपको डायरेक्टली USB से कनेक्ट होगा यहाँ लैपटॉप से, सिंपल है। लैपटॉप में एक ही वायर जाएगा एलगेटो से, ठीक है। और दूसरा जो HDMI कनेक्शन है वो जाएगा आपको डायरेक्टली स्प्लिटर से, दैट्स इट। मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और आप इसके साथ में जो ये दूसरा वाला ये चार्जर है, जो आपका बेसिक आईफोन का चार्जर होता है वही वाला चार्जर इससे कनेक्टेड है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं बहुत देर भी स्ट्रीम करता रहता हूँ पर चार्ज खत्म नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्जर। तो फिर मोबाइल से स्प्लिटर से HDMI आएगा जो एलगेटो से कनेक्ट होगा, और दूसरा चार्जर आपका यहाँ लगेगा, ठीक है। और इसका एक वायर जाएगा यहाँ से एलगेटो से डायरेक्ट सिस्टम पे यहाँ पे। और बच्चा ये तो लैंड पोर्ट है, लैंड पोर्ट जो यहाँ से आया हुआ है फ्रेंड्स, आप देखोगे ये वाला जो गया हुआ है ऊपर में यहाँ, तो मैंने यहाँ से लैंड पोर्ट लिया हुआ है सीधा। एक्चुअली कैसा होता है कि ये वाईफाई से भी कनेक्ट होता है, बट स्ट्रीमिंग के लिए लैन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये वाला जो है ये लैन का वायर है, ये चार्जर जो लैपटॉप चार्जर है, दैट्स इट। और कोई कनेक्शन इसमें नहीं लगता है, ठीक है। और ये जो हेडफोन है इसका, हेडफोन का जो चार्ज पॉइंट है, जो ये पॉइंट है ये मैं डायरेक्टली हेडफोन में लगा देता हूँ यहाँ पे, और डायरेक्टली यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी मैं जस्ट आपको एक ये दिखा देता हूँ कि मैं स्ट्रीम कैसे करता हूँ। अब यूजुअली जब भी मैं स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ तो पहले लैपटॉप पे मैं स्ट्रीम लैब्स ओपन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा स्ट्रीम लैब, ये स्ट्रीम लैब्स है फ्रेंड, ठीक है। अभी इसमें मैं क्या करता हूँ,
स्ट्रीम लैब्स में अभी देखिए फ़ोन कनेक्टेड है, अब मेरे फ़ोन में यही सेम फ़ोटो फ़ोन पे आ रहा है, लैपटॉप पे आ रहा है, मतलब फ़ोन उससे कनेक्टेड है। अब इस पर मैंने सब ओवरलेस लगा दिया है, यहाँ आप देखो ये सब ओवरलेस हैं, तो ओवरलेस कनेक्टेड होता है। तो अब मैंने स्टार्टिंग में रखा हुआ है, तो इसके कारण आपको स्टार्टिंग दिखेगा। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइव सीन दिखाया हुआ है। तो लाइव सीन में आप देखोगे जो फ़ोन में कनेक्टेड है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। एंड ये रहा, ये है स्टार्टिंग, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको ये जो स्क्रीन दिखता है सामने, जब भी मैं स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ ये स्टार्टिंग का दिखता है, तो ऐसे स्टार्ट होता है। इसके बाद में फिर मैं स्ट्रीम गेम्स वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ, सभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली अभी ये चालू हो गया, इसका ऑडियो अभी जैसे हेडफोन में मैंने कनेक्ट किया तो हेडफोन में पूरा आपका साउंड जा रहा है। मैं हेडफोन एक वायर निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा, ये ऐसे कनेक्ट होता है, तो मैं ऐसे स्ट्रीम करता हूँ गाइस। अब ये रहा सिंपल, फ़ोन से एलगेटो कनेक्ट, एलगेटो से सिस्टम पे, फिर हेडफोन फोन लैपटॉप पे लगा दिया और दैट्स इट। मैं स्ट्रीम स्टार्ट कर देता हूँ और मोबाइल पे मैं चैट पढ़ते रहता हूँ यहाँ पे इस मोबाइल से यूट्यूब ऑन करके, दैट्स इट फ्रेंड्स, यही है ना। तो अब देखोगे तो इतना सिंपल है, यही इतने ही सिंपल तरीके से मैं स्ट्रीम करता हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो, यही सब चीज़ें लगेंगी। बस फ्रेंड्स दैट्स इट, ये रहा मैं स्ट्रीम का छोटा सा सेटअप, दैट्स इट गाइस, थैंक यू।